सो गाइज वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि गाइज हम जो है ना ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं और ऑफलाइन शॉपिंग्स भी करते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं या फिर ऑफलाइन, क्योंकि इसके पीछे एक मतलब कि मेरा वीडियो बनाने का एक मकसद है, मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप कोई ऑनलाइन परचेज करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, यानी कंप्यूटर की एक्सेसरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर वगैरह यूज करते हैं, लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं, तो अगर आप ऑनलाइन कोई भी चीज परचेज करते हैं तो आप उसका प्राइस जरूर कंपेयर करते होंगे ऑफलाइन, ठीक है। यानी कि जो सामान आप ऑनलाइन देख रहे हो तो पहले उसको जो है ऑफलाइन कंपेयर जरूर करना, अगर आप नहीं करते तो करना शुरू कर दो, क्योंकि आपको ऑनलाइन के प्राइस में और ऑफलाइन के प्राइस में काफी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको प्रैक्टिकल किया है, ठीक है। तो जो भी मैं सामान ऑनलाइन सर्च करता हूँ तो पहले उसको ऑफलाइन भी चेकआउट करता हूँ कि वहाँ पे प्राइस ऑफलाइन में क्या मिल रहा है और ऑनलाइन में हमें प्राइस क्या मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मेन मकसद क्या है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, ठीक है। तो गाइस जो भी हम ऑनलाइन सामान परचेज करते हैं, ठीक है, अमेज़न फ्लिपकार्ट या फिर जो भी स्नैपडील वगैरह ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, ठीक है, तो वो सामान हमें ऑफलाइन भी मिल जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें जो है उसके प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये मैंने कैसे चेक किया, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जांपल के तौर पे, जो है मैंने एक चीज परचेज करी है, ये मैंने परचेज किया है, ये आप देख सकते हैं कि माउस पैड है, ठीक है, रेड गियर का माउस पैड है, ठीक है, रेड गियर की ब्रांडिंग है। और गाइज बाकी ये स्टैंडर्ड साइज है, मैं आपको वीडियो में दिखा भी देता हूँ, ठीक है, ये इसका साइज है, ठीक है, और रेड गियर की इसके अंदर जो है ब्रांडिंग है, ठीक है, और ग्राफिक्स भी अच्छे हैं और ये स्टैंडर्ड साइज में आता है, ठीक है, बट ठीक है, छोटा नहीं है, काफी बड़ा देखने का लगता है, ठीक है। बाकी मेरा टेबल इसके ऊपर छोटा लग रहा है और साइज इसका थोड़ा बड़ा है, मेरे टेबल के हिसाब से मेरी स्क्रीन और टेबल छोटे लग रहे हैं इसके आगे। अच्छा, दूसरी बात करते हैं कि ये हमें पड़ा कितने का है, ठीक है, अगर आप इसको अमेज़न पे देखते हैं तो चलिए मैं आपको पहले अमेज़न पे इसका प्राइस चेक करा देता हूँ। तो गाइस मैंने सर्च किया अमेज़न पर रेड गियर एम जो इसका आ गया 35 MP35, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको सर्च किया आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका प्राइस आ रहा है वो 299 है, यानी कि 300 रुपये, ठीक है। तो 300 रुपये आपको अमेज़न पे इसका प्राइस देखने को मिलता है और इसकी MRP है 550। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपको ये पड़ रहा है 300 रुपये में। अगर आप इसको ऑफलाइन परचेज करते हैं, मार्केट में आप जाते हैं, किसी छोटी शॉप पे जाएंगे, ठीक है, जो बोथू वगैरह में शॉप्स होती हैं, तो वो आपको इसको 400 या फिर 450 तक ही आपको जो है चार्ज करेंगे। अगर आप किसी मतलब कि अच्छी शॉप पे जाते हैं जहाँ पे कंप्यूटर की एक्सेसरी ही मिलती है, सिर्फ बड़ी शॉप है, तो वो आपको 350 या 400 के बीच में आपको इसको प्राइस आपको पड़ सकता है, बट ऑनलाइन आपको जो है 300 में पड़ जाएगा। बट इससे भी बेस्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा अगर आप चंडीगढ़ मोहाली या फिर पचूला के आसपास रहते हैं, इसके एरिया के आसपास रहते हैं, तो वैसे तो सभी एरियाज में जो है वेयर हाउस होते हैं, ठीक है ना, जो भी अमेज़न फ्लिपकार्ट का जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो रिजेक्ट हो जाते हैं गाइस, ठीक है ना, तो उनकी ओपन बॉक्स डिलीवरी जिनकी होती है वो रिजेक्ट हो जाते हैं, कस्टमर लेना मना कर देता है, तो वो सामान जो है एक जगह पे ना वेयर हाउस में इकट्ठा हो जाता जाके, और वो सामान की बाद में जो है मतलब कुछ बड़े बड़े वेयर हाउस वाले जो पर्सन होते हैं वो उनको पिक कर लेते हैं वहाँ उस सामान को, और थोड़ा मतलब कम दाम में उनको पिक कर लेते हैं और उनके ऊपर थोड़ा सा अपना मार्जिन रख के उनको सेल आउट पे लगा देते हैं। तो ऐसे ही मैंने जो है इसको जो है एक वेयर हाउस से परचेज किया है, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट मैंने आपको बताया कि 300 पड़ रही है, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो। तो यहाँ पर जो है वेयर हाउस से मैंने जब इसको परचेज किया तो इसकी मुझे कॉस्ट पड़ी है 164, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, 299 इसका प्राइस इन्होंने ऑनलाइन का प्राइस डाला हुआ और साथ में डाला हुआ है कि हम 164 में आपको प्रोवाइड करा देंगे। वो बिल्कुल ये नया पीस था, इसमें कुछ भी सिर्फ बॉक्स ओपन था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे स्टिकर भी लगा हुआ है अमेज़न का, ये फाड़ दिया था, ठीक है, और ये बिल्कुल नया पीस था जो मैंने अभी खोल के आपको दिखाया है, ठीक है, बिल्कुल नया पीस है। तो वहाँ पे आप लैपटॉप कंप्यूटर की जितनी भी एक्सेसरीज होती हैं, प्रिंटर मॉनिटर्स, ठीक है, हेडफोन्स, गेमिंग से रिलेटेड मदरबोर्ड्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है। तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो में जल्दी ही लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, अगर आप कमेंट करते हैं तो एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा स्पेशल उस वेयर हाउस की, ठीक है। तो उस वेयर हाउस में क्या क्या देखने को आपको मिल जाएगा, बाकी चीज़ों का क्या प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो भी आपको पूरा इस वीडियो में अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो होप करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।